तो बात कर लीजिए, रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हो चुका है। तो क्या वॉर से इंडिया पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है? मतलब बात की जाए टेक्नोलॉजी की दुनिया हुई या फिर किसी भी चीज़ की, क्या प्राइस बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली, इंडिया पे इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। जब अगर किसी भी देश के बीच में वॉर होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह पड़ता है। हाँ, चाहे वो कोई भी देश हो, हालांकि चाइना में बड़ा मुश्किल से पड़ता है क्योंकि भाई वो हर चीज़ बना देता है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी हर जगह हर देश को कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता ही रहता है, क्योंकि भाई वो जो देश होता है वहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जरूर किया जाता है। तो अगर वो बहुत चीज़ इम्पोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट करता है, तो भाई कोई देश एक्सपोर्ट भी कर रहा होगा। अगर सामने वाले देश में जाएगा नहीं तो वहाँ पर भाई महंगाई बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, मतलब इनडायरेक्टली असर देखने को मिल ही जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो भाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में बात की जाए तो चिप शॉर्टेज के बारे में, यस अभी तक भाई ऐसे ही पूरे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में महामारी छाई हुई है, मारामारी चल रही है कि शॉर्टेज चल रही है। इसके लिए भाई स्मार्टफोन्स हुए, लैपटॉप हुए, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हुए, इनकी प्राइस बढ़ती ही जा रही थी। भाई अब जो एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया, इसकी वजह से भाई अब और ज़्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि बात की जाए रसिया से जो है जिसे सेमीकंडक्टर या चिप जिसमें बनाया जाता है, तो उसमें एक सेमीकंडक्टर ग्रेड नियॉन गैस का यूज़ किया जाता है जो 90% रसिया से ही इंपोर्ट होता है। और भाई अगर ऐसा होता है तो सप्लाई चेन टूट जाएगी, और अगर सप्लाई चेन टूटेगी तो भाई इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और भाई अगर सेमीकंडक्टर या चिप बन नहीं पाएगा तो अभी तक ऐसे ही इतने भाव बढ़ रहा था, और ज़्यादा भाव बढ़ने वाला है। बात की जो कैमरा हुआ, लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, मोबाइल हुआ, अब तो भाई जितने भी मतलब आगे अगर आप स्मार्ट देखते हो, स्मार्ट कार हुआ, स्मार्ट वॉच हुआ, मतलब जहाँ पर अगर स्मार्ट चीज़ लगाया जा रहा है तो वहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर या चिप का यूज़ जरूर ही किया जाता है। और भाई अब जो है और बहुत ज्यादा महामारी छाने वाली है, और ज्यादा भाई मारामारी चल जाएगी, और ज्यादा भाई इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी वो महंगे होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और बात करें तो भाई पॉलीमर, बस ये भी इसका भी यूज मेमोरी कार्ड और सेंसर्स बनाने के लिए किया जाता था, ये भी लगभग 35% तक ये भी भाई इंपोर्ट किया जाता था, और इस पर भी असर देखने को मिलने वाला है। और बात करें तो भाई यूएस के जो व्हाइट हाउस है, उन्होंने भाई साफ साफ जितनी भी जायंट्स कंपनी है उन्हें बोल दिया है भाई अब जो है आप कोई दूसरा कंट्री ढूंढ लीजिए, क्योंकि भाई यहाँ पे वॉर कितने दिन चले इससे कोई भरोसा नहीं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका जो असर है, नेगेटिव इंपैक्ट है, वो यूएस की इकोनॉमी पे भी देखने को मिल जाएगा। भाई ऐसा होता है तो भाई बड़ी दिक्कत की बात है, और भाई इंडिया पे भी पड़ेगा, इनडायरेक्टली इंडिया पे भी पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे भी स्मार्टफोन महंगा हो जाएगा, और अगर स्मार्टफोन या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगी होती है तो भाई ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ी तो रही है। तो भाई उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। हालांकि बात की जाए इंटेल और TSMC, ये बहुत बड़ी जायंट कंपनी, इन्होंने बताया है कि अगर कुछ दिन तक चले तो ठीक है क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टॉक में रखा हुआ है, लेकिन अगर ये जो वॉर है ये ज़्यादा दिन तक चलता है तो भाई इसमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। आगे बात करें तो भाई पेट्रोलियम, भाई पेट्रोलियम अभी कुछ दिन पहले ही 115 रुपया आई थिंक दाम सूरत में चल रहा था। तो भाई गवर्नमेंट, बात की जाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जन ने मिलके भाई 15 से 20 रुपए कम किया था, भाई अब जो लग रहा वापस हो गया, लगभग बात की अभी 95 रुपीज इस टाइम करंटली सूरत में चल रहा है, बस 95 से लेकर 90 के बीच में घूमता रहता है, लेकिन अब जो है वापस ये 115 रुपए तक पहुंच जाएगा। बात कीजिए भाई जो पेट्रोल है वो रसिया से इंपोर्ट किया जाता है, पेट्रोल इंडिया में है तो उसका एक तिहाई भाग रसिया से इंपोर्ट कराया जाता है। बस वही बात आ जाती है कि भाई सप्लाई चेन टूट जाएगी, और अगर सप्लाई चेन टूटती है, बैरल पर कच्चा माल यानी क्रूड ऑयल की कीमत $115 प्लस हो चुकी है, अभी तक इससे पहले कम हुआ करती, तो अगर कच्चा माल ही ज़्यादा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक पेट्रोल, डीजल या LPG CNG जो हम यूज करते हैं, ऑटोमेटिक उनकी प्राइस बढ़ ही जाएगी। और हम जो पेट्रोल भराते हैं वो तो अलग की बात है कि हमने अपने बाइक में भराई, कार में भराई, वो अलग की बात है, लेकिन इससे भाई एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा वो है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं वो ट्रक के थ्रू किया जाता है, और भाई अगर ट्रक के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो भाई इनडायरेक्ट उसका जो प्रेशर होगा और वो जो भाई हमारे जेब के ऊपर ही आके गिरेगा, मतलब घूम फिरा के भाई महंगाई बढ़ ही जाएगी, जो चीज़ों की प्राइस वो बढ़ेगी बढ़ेगी, मतलब कुछ भी होता है ना तो महंगाई बढ़ जाती है, और उसका जो असर होता है वो कस्टमर पे भी होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब दोनों तरीके से कस्टमर पर इसका इम्पैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि भाई अगर ज़्यादा लग रहा है पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टर का कॉस्ट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ऐसा ज़्यादा हो तो भाई जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ा ही देंगे। और अगर बात की जाए तो भाई सोना का प्राइस बढ़ रहा है,
लीजिए तो भाई गोल्ड की प्राइस में इजाफा देखने को मिले, लगभग 2250-2300 ऐसा लगभग आसपास आगे गया है। हालांकि गोल्ड तो ठीक ठाक है, उतना मतलब रोजमर्रा की चीज़ें नहीं है, क्योंकि अगर आप गोल्ड बार बार नहीं परचेस करोगे। लेकिन उस जगह बात कीजिए भाई स्टॉक मार्केट, यस बात कीजिए भाई 2300 पॉइंट जितना सेंसेक्स इंडिया में नीचे चला गया था, मतलब अगर आप पोर्टफोलियो अपना खोल के देखोगे लाल 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 पूरा एकदम लाल लाल ही छाया हुआ था, मतलब युद्ध हुआ पे हुआ था और उसका इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड चल रहा है, उसका स्टॉक मार्केट हुआ या इंडिया का मार्केट हुआ। और भाई आगे तो बात कीजिए, रसिया का 50% मार्केट डाउन हो गया, यस भाई रसिया का 50% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो खत्म हो गई। हालांकि बात कीजिए इंडिया में टोटल 13.4 लाख करोड़ की जो कैपिटलाइजेशन थी वो खत्म हो गई, जैसे कि अभी तक जितनी भी कंपनी थी वो प्रॉफिट में चले थे, शेयर प्राइस हाई था, जैसे वो कम पड़ा तो ऑटोमेटिक जो उनकी प्राइस थी वो लो चली गई थी। हालांकि आज थोड़ा थोड़ा रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर ये वॉर और आगे चलता है तो ये और ज़्यादा नीचे चला जाएगा, यस इससे भाई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर बात कीजिए तो भाई ऑयल, हाँ जो हम चीज़ अपने रोज़मर्रा खाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बात कीजिए सिंह का तेल हुआ, बात की जाए तो करू का तेल हुआ, मीठा तेल भी जिसे कहते हैं, जैसे तिरुपति फॉर्च्यून अजय, ये बहुत फेमस फेमस ब्रांड्स हैं, इनका तेल का आप यूज़ जरूर कर दोगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, कल तक जो तिरुपति का तेल 1 लीटर का जो पाउच वाला आता था वो हमारे यहाँ पे सूरत में प्राइस 135 रुपये थी, लेकिन आज मैं जब दुकान पे जाके पूछा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट मैं न्यूज़ में बहुत पड़ा था कि भाई ऑयल पे असर पड़ेगा पड़ेगा, और आज मैं जाके पूछ रहा हूँ भाई 155 रुपये, मतलब सीधा ही 20 रुपये बढ़ गया, मतलब 1 लीटर के पीछे 20 रुपये सीधा बढ़ा दिया गया। तो आप एक हिसाब से सोच सकते हो, हालांकि अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो आप जाइए अपने आस पास की दुकान से पूछिए कि कितने जो प्राइस है कितना उसमें इजाफा हुआ है, तो यहाँ पे तो भाई सूरत में इतना इजाफा हो। और अगर बात करें तो फर्टिलाइजर केमिकल से भी बहुत ज़्यादा करके रसिया से इंपोर्ट कराया जाता था, इस पर भी असर इनडायरेक्टली हमको देखने को मिलने वाला है, केमिकल्स की प्राइस बढ़ जाएगी, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते थे उसकी भी प्राइस बढ़ने वाली, मतलब बात की जाए जितनी भी चीज़ें हम रसिया से इंपोर्ट कराते थे वो सबकी प्राइस बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है। कि भाई ये झगड़ा जो ये दो देश कर रहे हैं ये दोनों देश का भी घाटा है, इनके साथ साथ में भाई वर्ल्ड में जितने देश है इन पर भी इनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन भाई वॉर कब तक चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये सारे इंपैक्ट आपको जल्द ही आपकी लाइफ में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।